गलतफहमी में जो भी है ना हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, भूल जाएं, बहुत जल्दी हम सब इनके बेनकाब करेंगे और ये सब यूएपीए में ही बंद होंगे। तो हिजाब का विवाद किसने क्रिएट किया? इन्हीं ने तो किया, जो ये भगवान ये जो इनको देखे ऑर्गेनाइज तरीके से इनको बांटे गए। अच्छा, ये सब आईएसआई का पैसा है जो ये इकट्ठे करके खरीद के जो ये पगड़ियां दी गई हैं एक जैसी। इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए 100%। ये जितने भी मनुवादी हैं सब आईएसआई के टच में। ये चव्हाण के साहब हैं जो ये टीवी चैनल चलाते हैं, वो भी तो हिंदू राष्ट्र के लिए मारने की कसमें खा रहे थे ना ऐसे करके, तो वो सब पाकिस्तान के टच के। वो तो रही है ना एफआईआर उन लोगों पर। क्या एफआईआर हुई? अभी तक तो यूएपीए की हुई ना, हमें कोर्ट का सहारा लेना चाहते हैं। तो जब पाकिस्तान से तार जुड़े हैं तो क्या उनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा लगेगा? पूरे मामले के तार पाकिस्तान से जुड़ गए। आज ही बड़ी खबर चल रही है, आज ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये दावा भी कर दिया है, ऐलान भी कर दिया है और सख्ती से निपटा जाएगा। कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें जहां हम खड़े हैं दिल्ली, वो राज्य भी मौजूद है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से आईएसआई से पूरे तार इस हिजाब विवाद के जुड़े हैं, फंडिंग भी हो रही है, पूरा मामला कराया भी जा रहा है। जल्दी से जवाब। फंडिंग का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात 100% सही है, 100% सही है, बिल्कुल पाकिस्तान से तार जुड़े हैं। जितने भी ये हिंदू राष्ट्र वाले हैं ये सब आईएसआई के टच में है। ये जितने भी भारत का संविधान तोड़ के हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, इनके तार 100%, ये मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, 100% पाकिस्तान से भी और चाइना से भी जुड़े हुए। अरे सर कैसे घुमा रहे हैं आप, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कह रही है कि हिजाब वालों के तार जुड़े हैं, आप कह रहे हैं भगवा वाले। हिजाब के विवाद वालों के, हिजाब वालों के नहीं कह रहे। अच्छा, अगर हिजाब के विवाद, दो हिजाब का विवाद किसने क्रिएट किया? इन्हीं ने तो किया, जो ये भगवा ये जो इनको देखे ऑर्गेनाइज तरीके से इनको बांटे गए। अच्छा, ये सब आईएसआई का पैसा है जो ये इकट्ठे करके खरीद के जो ये पगड़ियां दी गई हैं एक जैसी। हिजाब आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे, वो अलग अलग रंग के होंगे ना। हर स्कूल में जो ड्रेस है उसके हिसाब से भी कलर हो सकता है। जैसे सिख है, हमारे सिख भाई है, वो पगड़ी बांध के आते हैं स्कूल की ड्रेस के हिसाब से बांध के आते। तो लेकिन ये वाले ये सब आईएसआई ने सप्लाई की, जुड़े पाकिस्तान से था नहीं, सप्लाई इन्होंने की होंगी। ये इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए 100%। ये जितने भी मनुवादी है सब आईएसआई के टच में। एनआईए कूद पड़ा मामले। हाँ 100% कूदना ही चाहिए। अगर वो ये बात इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो 100% ये लोग चाइना और पाकिस्तान के टच के लोग ही हैं। देश की सुरक्षा का मामला है एकदम, बिल्कुल है ही, मैं खुद ही कह रहा हूँ ये। तो इसीलिए इन जो जो इलाहाबाद में और हमने तो यहाँ दिल्ली में करा भी रखी ना एफआईआर इसी बात की कि जो ये चव्हाण के साहब हैं जो ये टीवी चैनल चलाते हैं, वो भी तो हिंदू राष्ट्र के लिए मारने की कसमें खा रहे थे ना ऐसे करके, तो वो सब पाकिस्तान के टच के। वो तो रही है ना एफआईआर उन लोगों पर। क्या एफआईआर हुई? अभी तक तो यूएपीए की हुई ना, हमें कोर्ट का सहारा लेना चाहते हैं। तो जब पाकिस्तान से तार जुड़े हैं तो क्या उनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा लगेगा? चव्हाण के साहब अगर आईएसआई से फंडिंग ले रहे हैं, देश में देखिए इतना पीसफुल माहौल चलेगा, तो अभी चाइना जो है ना हमसे पीछे हो जाता अगर देश पीसफुल रहता। नहीं रहने देना ना। गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन जितने भी हैं, आप देखिए चाइना की जो सीपीसी जो कंपनी जो गवर्नमेंट की कंपनी है उनकी, उसमें कितने गुजराती मनुवादियों के वहां पे डायरेक्टरशिप है आप देखिए। और पाकिस्तान और चाइना को इकट्ठा करने के लिए भी काम है, मनुवादी गुजराती मानसिकता के बिजनेसमैन कर रहे हैं। हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा खतरा आ गया, आज भी एक बीजेपी के जो कॉर्पोरेटर है चुशूल जो झील है वहां पे, उन्होंने एक ट्वीट कर रखा है, आप देखिए जरा जाके, कि चाइना की फौजें जो हैं जो हमारे जो भारतीय चरवाहे हैं उनकी उनके जानवर छीन छीन के ले जा रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़ी साजिश है जिसमें पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए थे और चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए तो ये सब ड्रामा हो रहा है। नहीं तो अब हमारा देश चाइना को इकोनॉमिकली बीट करके आगे निकल चुका होता। 80% आज भी ट्रेड डेफिसिट है चाइना और हमारे बीच में, कौन करा रहा है? तो ये तो डेफिनेटली बड़ी साजिश हो रही है देश के खिलाफ, जिसके लिए हम सब लोग खड़े हैं। पाकिस्तान और चाइना को हम लोग सफल नहीं होने देंगे अंबेडकरवादी। ये गलतफहमी में जो भी है ना हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, भूल जाएं, बहुत जल्दी हम सब इनके बेनकाब करेंगे और ये सब यूएपीए में ही बंद होंगे। खुला चैलेंज आपका एकदम। भारत का संविधान में इतनी ताकत है, हमने करके दिखाया, कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं, हमने करके भी दिखाया, चाहे हमारे संस्थान कितने भी कमजोर हो जाए। बाबा साहब ने जो अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर जो संविधान बनाया है ना, जिसकी हम सब शपथ लेते हैं, वो उसमें आज भी इतनी ताकत बाकी है कि हर एक देश के दुश्मन को जो कि मनुस्मृति लागू कराना चाहता है उसको पकड़ के जेल भिजवा सके। शुक्रिया पराचा साहब पूरे मुद्दे पर आईएनएन चैनल से डिटेल में बात करने के लिए। और महमूद पराचा का सीधे तौर पर कहना है कि बिल्कुल पूरे मामले के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और इस बात को ये डंके की चोट पर कह सकते हैं, लेकिन तार इस पूरे मामले के पाकिस्तान से आईएसआईएस से भगवा गमछे वाले लोगों की तरफ से जुड़े हैं, जो कि देश को
बहुत बड़ा खतरा पहुंचा रहे हैं, ऐसा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महमूद पराचा का कहना है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल।